हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया क्लास 9 से ज्योग्राफी की बुक। टिपिकल इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी लोकेशंस के बारे में, बट इसकी लोकेशंस एक डिफरेंट जोन के अंदर होगी। दूसरा टॉपिक होगा आपका हिमालयन माउंटेन्स, तीसरा होगा आपका नॉर्थन प्लेट्यूज, चौथा होगा आपका पेनिनसुला प्लेट्यूज, फिर आपका पाँचवा आ जाएगा इंडियन डेजर्ट, और आपका छठा आएगा कोस्टल प्लेन्स, और आपका लास्ट टॉपिक होगा आइसलैंड्स, या फिर आइसलैंड कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। ये आपके टिपिकल आपके टॉपिक्स रहने वाले इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर, या इस पूरे वीडियो के अंदर आपको इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स में बात करने को मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि इंडिया इज ऑल मेजर फीचर्स, इंडिया के अंदर सारे के सारे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल, जितने भी आपको पूरे अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे फिजिकल फीचर्स इंडिया के अंदर अवेलेबल है। आपको माउंटेंस के बारे में बात करनी, माउंटेंस भी अवेलेबल, प्लेन्स के बारे में बात करनी, प्लेन्स भी अवेलेबल है, डेजर्ट के बारे में बात करनी, डेजर्ट भी अवेलेबल है, प्लेटूज, आइलैंड्स, जो कुछ भी आपको बात करनी है, कोस्टल लैंड, जितनी भी चीज़ें बात करनी है, वो सारे के सारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। वन ऑफ द ऐसा कंट्री है इंडिया जिसके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। बाकी सारे देशों के पास इतनी जल्दी हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। अभी हमारे यहाँ पे मिनरल्स भी इतने ज़्यादा अवेलेबल्स हैं। दूसरी चीज़ कि इंडिया के पास जितनी भी सॉइल्स हैं ना, वो वेरियस वेरियस प्लेसेस के ऊपर हैं, एक प्लेस के ऊपर सारी की सारी सॉइल्स नहीं है। जैसे कि गुजरात पूरा का पूरा, आसपास का महाराष्ट्र का पूरा एरिया है ना, वो पूरा का पूरा, मतलब गुजरात के अंदर एक सौराष्ट्र के जोन आता, सॉरी, उस सौराष्ट्र जोन के अंदर ना सबसे टिपिकल आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और सौराष्ट्र के बाहर ऊपर जब उत्तर गुजरात होता है ना, यहाँ पे अहमदाबाद ये पूरा एरिया है, वहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, राइट। तो उस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट जोन से, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एक अलग डिफरेंट टाइप की आपको सॉइल देखने को मिलती है, जो डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपको रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि ब्लैक सॉइल के ऊपर कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है, तो टिपिकल आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई सौराष्ट्र के अंदर जब ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो लोग कॉटन के उत्पादन की शक्ति को ज़्यादा ही बनाते होंगे, और पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं कॉटन वहाँ से ज़्यादा सप्लाई होता होगा। ये एक टिपिकल थ्योरी होती है हर जगह की, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंडिया इज अ वेरियस फीचर हु हैज बीन फॉर्मेशन बाय, कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरी थ्योरी है ना, वो इंडियन आइडेंटिटी के ऊपर या फिर इंडियन फिजिकल फीचर्स के ऊपर परफेक्ट फिट होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी इंडियन की एग्जिस्टेंस फिजिकल फैक्चर्स या फिर कह लो फिजिकल फीचर्स अवेलेबल राइट नाउ। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निक या फिर कह लो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, उसमें क्या दिया हुआ है कि जो 7 मेजर्स एंड द माइनर प्लेटूज हैं, उसके ऊपर पूरी की पूरी अर्थ मूविंग करती है, या फिर पूरे का पूरा अर्थ का जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। बट कहीं ना कहीं उन सब की सारी एक्टिविटीज़ को मिला के भी इंडिया के अंदर कह लो कि जितनी प्लेट्स अवेलेबल हैं, वे किस तरीके से हमने उनके द्वारा फिर उन जो मेजर 7 प्लेटूस थे, या फिर जो मेजर जिस तरीके से 7-7 चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पर हमने इसको पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया था, उन 7 चीज़ों का प्रेफर लेके हमने इंडिया को भी डिवाइड करने की कोशिश की है। तो हमने इंडिया को किस तरीके से डिवाइड किया गया, तो इंडिया का जो पहला पार्ट था उसको हम कहते हैं द हिमालयन माउंटेन्स ऑफ और द नॉर्थन माउंटेन्स। सेकेंड आया आपका द नॉर्थन प्लेन्स और द इंडिगो जाइजेंटिक प्लेन्स, ठीक है। तीसरा आपका है पेनिनसुला प्लेट, चौथा आपका है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पांचवा आपका है द कोस्टल प्लेन्स, और आपका छठा है आपका द आइसलैंड। क्लियर, ऊपर 7 दे रखे हैं, मैंने आपको 6 बताए जो कि इंडिया को 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर सकते थे, तो हमने 7वें को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो आपका 7th फीचर है वो आपका सी वाला फीचर है, इसको हम ऑटोमेटिकली याद रख सकते थे, पर आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग प्लेटूज के बारे में बात करने वाले हैं और प्लेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग उस टॉपिक को भी छेड़ते नहीं हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। जो आपकी हिमालयन पूरी रेंज है या फिर हिमालयन माउंटेन का पूरा रेंज है, वो वन ऑफ द ऐसा फीचर्स है या वन ऑफ द इस टाइप के माउंटेन्स जो है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो हिमालय माउंटेन्स है वही मिलते हैं, और वो उस तरीके के यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं जिसके ऊपर रहना, जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी गुजारना वो छोड़ दो, मैं बोलता हूँ उसके ऊपर तुम आधा घंटा एक घंटा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, उस टाइप का कल्चर वहाँ पे नहीं है, या उस टाइप का वहाँ पे क्लाइमेट वहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो कि वहाँ पे वो टिपिकल चीज़ें नहीं दी हुई हैं कि जहाँ पे आप उनको ज़िंदा रह सकते हैं। वो इतने ऊपर पे होते हैं और उतने फोल्डेड, मतलब उतने लंबे होते हैं जिसके ऊपर आप ईजिली चढ़ नहीं सकते हो, अगर चढ़ भी जाते हो तो वहाँ पे एक रहना, स्टे करना बहुत मुश्किल है। ओके,
आगे बात करते हैं कि हिमालयन आर द इतने लंबे होते हैं, 400 से 150 किलोमीटर तक के वाइड रेंज के हैं। अभी राइट नाउ जो एक डाटा अवेलेबल है, उस डाटे का ये कहना है कि कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कहाँ तक, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये जहाँ से कश्मीर शुरू होता है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके आपका लास्ट यहाँ तक पूरा का पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो जाता है। इसे हम कहते हैं हिमालयन रेंजेस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हिमालयन रेंज। क्लियर? ओके ओके, आगे बात करते हैं कि हमने हिमालयन रेंज को है ना तीन पार्ट में डिवाइड किया। जब इतना बड़ा हिमालयन रेंज हो चुका है तो सिंपल सी बात है उसको डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा, तो हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, वो भी हमने उसको पैरेलल डिवाइड किया। कैसे किया? द ग्रेट एंड द इनर हिमालय आर कॉल्ड द हिमांद्री। क्लियर? जो मिडल हिमालय होता है उसको हमने कह दिया हिमाचल, जो आपका आउटर हिमालय था उसको हम कह दिया शिवालिक। क्लियर? ओके, ये तीन पैरेलल रेंज थे जिनको हमने डिवाइड किया, और ये तीनों रेंज को भी हमने डिवाइड किया अलग अलग फोर सेक्शंस के अंदर। ये तो आपकी रेंज थे कि भाई यहाँ से लेके इतने हिमालय हैं, तो इतने सारे के सारे हिमालय को हम लोग हिमांद्री कह देंगे। ठीक है, कि इसके अंदर जितने भी हिमालय आ गए ये एकदम परफेक्ट रेंज वाले दिख रहे हैं, तो सारे के सारे हिमांद्री। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से एक और पूरे पहाड़ की रेंज शुरू हो रही है, तो इस पहाड़ को हमने नाम दे दिया कहाँ, मिडल हिमालय या फिर हिमाचल। ठीक है, उसको हमने ऐसा नाम दे दिया। तो इस तरीके के जो रेंजेस थे ना, हम इसको रेंज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। अब रेंज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, पर रेंज कहीं ना कहीं आगे जाके डिफरेंशिएट हो रही थी कि एक रेंज जा रही सीधी, उसके बाद वो 90% डिग्री में घूम जा रही है और फिर टर्न मार रही है, फिर टर्न मार रही है। तो लोगों ने सोचा कि यार ये हिस्टोरियन सोचा कि जो ज्योग्राफी जो हिस्टोरियन थे उन लोगों ने सोचा कि यार इस तरीके अगर हम रखेंगे तो स्टूडेंट्स को या फिर आगे आने जो जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे उनके लिए हार्ड पड़ेगा, तो इसको हम लोग और ईजी कर देते हैं। तो उन लोगों ने ईजी किस तरीके से किया, वो ईजी इस तरीके से किया। ईजी किया किस तरीके से, तो इस तरीके से किया। पहला बात था कि जो पंजाब और हिमालय वाला पूरा पार्ट था, जो कि शुरू होगा आपका सिंधु से सुतलज तक, कहाँ से, ये वाला जो हिंदू लिखा ना यहाँ पर हिंदू, ये सिंधु से लेके सुतलज का पूरा पार्ट होगा ना, वो पंजाब हरियाणा वाला कहलाएगा। फिर कह लो कि पंजाब हिमालय वाला पूरा पार्ट कहलाएगा, सतलुज वाला पार्ट। आपका जो नेक्स्ट होगा उसको हम कहेंगे कुमाऊँ। क्या कहेंगे? कुमाऊँ हिमालय, जो कि आपका सतलुज से लेकर कहाँ तक होगा, काली तक होगा। कहाँ तक होगा? काली। ये दिख रहा है आपको काली, कली यहाँ से होगा। मतलब पहला कहाँ से था? सिंधु से सतलुज तक था, सतलुज से लेके अब काली तक है। ओके, आगे आपका आएगा नेपाल हिमालय। कौन सा है आपका? नेपाल हिमालय। वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो आपका काली से लेके तिस्ता तक था। कहाँ तक था? ये रहा, तिस्ता तक। और आपका लास्ट था जिसको हम कहते हैं आसाम हिमालय, वो आपका कहाँ से है? तो वो आपका टिपिकल शिवालिक के पूरे के पूरे नीचे वाले, मतलब ये जो पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी वाला, ये पूरा पार्ट, तो इसके पूरे के पूरे नीचे वाले पार्ट में वो आपका एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं दिहांद्रम, या फिर कहेंगे उसको हम दिहांग्रा। वहाँ तक आपका पूरा का पूरा पार्ट नीचे तक फैला हुआ है, मतलब तिस्ता से लेके दिहांद्रंगा, या फिर कह लोगे दिहांग्रा, दिहांग्रा करके पूरा पार्ट है, वो पूरा नीचे ब्रह्मपुत्र के नीचे पूरा पार्ट है, वहाँ तक फैला हुआ है। तो इस तरीके का आपका पूरा का पूरा तीन चार पार्ट के अंदर हमने हिमालय को डिवाइड किया, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए और बड़े बड़े ज्योग्राफिकल लोग थे उनके लिए ईजी रहे याद रखना या समझना कि हिमालय रेंज क्या, फिर हिमालय क्या चीज़ का, या फिर हिमालय किस चिड़िया का नाम है और किस तरीके से याद रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपका नॉर्थन प्लेट उसके बारे में। तो नॉर्थन जो प्लेन्स थे वो टिपिकल पूरे के पूरे 7 लाख किलोमीटर्स में फैला हुआ है, 240 किलोमीटर लंबा है और 240 से लेके 320 किलोमीटर बड़ा है, ब्रॉड है। ठीक है, टिपिकल इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसके अंदर आपको याद इतना रखना है कि रिवर्स जितनी भी हैं वो सारे के सारे रिवर्स फ्लो होके इस पूरे रेंज के अंदर बहती हैं, और आपके माउंटेन्स को इन्वॉल्व होना या माउंटेन्स को डिसॉल्व करना, ये तारा सारा का टिपिकल वर्क होता है। जहाँ पे ख़त्म होता है माउंटेन उसको हम कहेंगे प्लेन्स के रूप में वो कन्वर्ट होता है। अब प्लेन्स को समझने के लिए, फिर रिवर्स को समझने के लिए उसको फोर टाइप में कन्वर्ट किया गया। अब फोर जो पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था आपका बाजार। क्या था? बाबर कह रहे हो कि बाजार क्या था, इसको हम कह सकते हैं कि ये टिपिकल किस चीज़ के लिए लोकेटेड था। तो इसके अंदर क्या था पता है, यहाँ से आप लोग इससे समझते हैं एक बार,
ठीक है, जो आपको अभी आपको दिख रहा है ना ये पत्थर वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे बाबर। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे भाभर, भाभर। इसका क्या, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि ऊपर शिवालिक से जितनी भी चीज़ें नदी के रूप में पलट के आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें नीचे तक आ रही हैं, उसके जो पत्थर आ रहे हैं, ठीक है, उस पूरे पत्थर को वो 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक फैला के रख देता था। क्लियर? तो ये जो आ गया उसको क्या कह लिया हमने, उसको हम कहते हैं भाभर, कि पूरा का पूरा जितना भी पत्थर के रूप में जितनी चीज़ें नीचे आई उसको हमने तुमने वहाँ तक रख दिया। फिर आपका अगला आता है कौन सा, बांगर। क्या आता है आपका? बांगर। अब बांगर देखो, बांगर क्या बताता है, तो बांगर बताता है कि जितनी भी ओल्ड प्लेटूस थी या फिर ओल्ड प्लेन्स है ना, जो फ्लड के द्वारा धीरे 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 तक आते आते तक वहाँ तक पहुँच जाती है, और जो खड्डे के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट होती या फिर फ्लड जो बहुत फोर्सफुल निकलती है तो वहाँ से एक पूरी की पूरी एक रेंज को क्रिएट कर देती है, एक टिपिकल पूरा पूरा रास्ता क्रिएट कर देती है, तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, बांगर। क्या कहेंगे? बांगर। आगे आपका अगला है वो है उसका खादर। क्या है? खादर। अब खादर क्या होता है? खादर इस टाइप का होता है जो आपकी नदी से पहले बन जाता है। ये देखो, ये नदी के पास जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्से, ये खादर होते हैं। ये आपको मैंने बांगर बता दिया, कौन सा वाला, ये बांगर दिख रहा है आपको, जो फ्लड आई थी और फ्लड ने उसको पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था। क्लियर? तो यहाँ से फ्लड निकलती है और हर बार फ्लड निकलती है तो इस पूरे एरिया को वो बिठा देती है, और इस एरिया को बिठाने के बाद जो उसकी मिट्टी वगैरह होती है जो जिस जगह पर इकट्ठा हो जाता है उसको हम कहते हैं खादर। क्लियर? और आपका लास्ट है जिसको हम कहते हैं तराई। क्या कहेंगे? तराई, जिसके हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टिपिकल घना जंगल। क्या कहते हैं हम लोग? टिपिकल घना जंगल, या फिर कि बहुत ज़्यादा घना जंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपके तीन या फिर कह लो कि चार नॉर्थन प्लेलूस के या फिर नॉर्थन प्लेन्स के पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन थे, जिसके अंदर किस तरीके से माउंटेन से निकली हुई एक चीज़ कितनी चीज़ों को रिलेटेबल करती है, वो आपके चार टिपिकल चीज़ें थी। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके अगला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, पेनिनसुला प्लेट्स के बारे में। पेनिनसुला प्लेट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेट्स को ब्रेकिंग डाउन करने के बाद बनी है। सबसे बड़ा पॉइंट आता है गोंडवाना लैंड। कौन सा था? गोंडवाना लैंड। ये कहाँ गया फोटो? ये देखो, ये आपका पहले पूरा का पूरा वर्ल्ड कुछ इस तरीके का एग्जिस्ट करता था। ये आपका पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड, और उसके बाद ये आपका आज का प्रेजेंट वर्ल्ड। ये पहले का वर्ल्ड है आपका, ये आपका पहले का वर्ल्ड है जो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो का पूरा आपको दिखा रहा है, और ये आपका प्रेजेंट है जहाँ पे आपको ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इक्वेटर की पूरी लाइन दिख रही है, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको प्रेजेंट वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ। इसके सामने, इसके साइड में जो दिया हुआ है ना गोंड वाला लैंड वाला, जो आज से 200 मिलियन साल पहले का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, वो उसको हम पढ़ने वाले हैं कि वो पेनिनसुला प्लेट्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पेनिनसुला प्लेट्स को जब डिवाइड किया गया, जब वो गोंडवाना लैंड से डिवाइड होकर गया, तो पेनिनसुला प्लेट्स अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई थी, तो उसके अंदर इंडिया के अंदर भी कुछ पार्ट्स आए। तो इंडिया के अंदर जो पार्ट्स आए ना, उसको मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था उसका सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा था डेक्कन प्लेट्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस जो आपको मैप दिख रहा है अभी, इंडिया का जो ज्योग्राफी मैप दिख रहा है, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जो सेंट्रल आइलैंड है वो बीच का पार्ट है, समझियो। हमने नॉर्थन प्लेट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, कौन सा वाला था ये, जो आपका हिमालयन रेंज से सारी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमने उसके बारे में बात कर ली अभी, राइट। हमने उसके पहले कौन सी बात की, हिमालयन रेंज के बारे में बात किया, कि हिमालयन रेंज कौन कौन सी होती है, उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, कौन सा वाला, पंजाब वाला, याद आया, पंजाब हिंदू, पंजाब हिमालय वाला, राइट। उसके बाद हमने बात किया कौन सा, कि नॉर्थन प्लेन्स को किस तरीके से इफेक्ट करती है ये चीज़ें। अब हम बात करेंगे ये सेंट्रल हाईलैंड्स और जो आपका डेक्कन प्लेटूस है, मतलब जो ऊपर से हमने बात कर दी, हमने यहाँ तक का पूरा पार्ट कवर कर लिया, अब जो आपका मिडल का पूरा पूरा पार्ट बाकी है, तो हमने इस पार्ट को कवर कर दिया है पेनिनसुला प्लेट्स के रूप में। क्यों? क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्स थी वो नीचे से गोंडवाना लैंड से यहाँ से आई थी, समझ रहे हो, यहाँ से जितनी प्लेट्स आई ना उसको हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्स। और इंडिया के अंदर वो आई तो इंडिया को हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडिया में उसको एक नाम दिया हमने सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा नाम दिया उसको डेक्कन प्लेट्स। ओके, अब बात करते हैं कि किस तरीके से उनमें भी क्या क्या नाम थे। ओके, जो आपका ईस्टर्न एग्जिस्टेंस था,
जो आपका पूरे के पूरे ईस्टर्न का पूरा पार्ट था, इसको पेनिनसुला के रूप में कन्वर्ट किया गया, उसको नॉन एस के हम कहते हैं बुंदेलखंड के रूप में जानते हैं या फिर बाघेलखंड के रूप में जानते हैं। जो आपका छोटा नगर प्लेटूज है, जो आपका ईस्टर्न साइड का सबसे एक्सट्रीम प्लेटूज है, और वो डिपेंड करता है, फिर कह लो कि वो जिस नदी के आसपास है उसको हम कहते हैं कि दामोदर नदी के आसपास का पूरा प्लेटूज है। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। डेक्कन प्लेटूज हैज बीन ए ट्रिकुलर मास लाइंस ऑफ टू द साउथ टू रिवर नर्मदा। अब सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो डेक्कन प्लेटूज हैं वो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा पार्ट्स को कवर तो करता है, पर देखो यहाँ पे उसको नर्मदा नदी मिलती है। अब नर्मदा नदी है ना, वो यहाँ से निकलती है, ये पारा पार्ट है, ये आपका मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, यहाँ से निकलते हुए गुजरात से होते हुए वो पूरा पूरा नदी बहते हुए यहाँ पे अंडेमा सॉरी आपका ये सी के अंदर बह जाती है। क्लियर? ओके, अरेबियन सी के अंदर चले जाती है। ओके, अब जो आपका ये जो पूरा पूरा हिस्सा है ना, अब वो वहाँ तक फैला हुआ है, मतलब डेक्कन प्लेटूज का जो स्टार्टिंग रेंज कर लो वहाँ से लेके नर्मदा से लेके नीचे तक जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। वेस्टर्न ईस्टर्न जो एजिस हैं वो डिपेंड करते हैं इसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, मतलब इसके दोनों आसपास के एरिया में क्या क्या मिल जाता है उसको वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, मतलब दोनों पार्ट से कवर अप हो गया। ऊपर से उसके पास ऊपर कौन सी है, उसके पास नर्मदा नदी है जो उसको कवर देती है, ऊपर उसके सेंट्रल हाईलैंड है, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट ऐसा था जिसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ों में आपको लैंड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और इस लैंड के साथ साथ आपको यहाँ पे ज़्यादातर हिल्स के एरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश सॉरी हिमाचल क्या आपको जो मध्य प्रदेश का पूरा एरिया है ना, उसके आसपास के एरिया में हिल्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि जब दो प्लेट्स को टकराव होता है तो उस दो प्लेट्स के टकराव के बाद कुछ चीज़ें जो उभर के निकलते हैं उसको हम कहते हैं हिमालय, या फिर कहें उसको माउंटेंस के रूप में या हिल्स के रूप में हम उसको जानते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। वेस्टर्न घाट आर द हायर देन द ईस्टर्न घाट। सिंपल सी बात है, वेस्टर्न घाट है वो बड़ा है ईस्टर्न घाट से लेके। ओके, मालवा प्लेटूज इज अक्रॉसिंग राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एंड स्लोप टूवर्ड्स टू द नॉर्थ। अब आपको आता है कि मालवा प्लेटूज के बारे में आपने कहीं बताया नहीं इसके अंदर, आपने इसके अंदर डेक्कन बताया, वेस्टर्न बताया, हाईलाइट बताया, नॉर्थन बता दिया, हिमालयन बता दिया, इंडियन डेजर्ट बता दिया, तो मालवा प्लेटूज कहाँ पर है? तो ये मालवा प्लेटूज यहाँ पर लिखा नहीं है, बट आपको आपको दिमाग लगाना है। ये आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला येलो वाला पूरा पार्ट, इसको कहेंगे मालवा प्लेटूज। क्या कहेंगे? मालवा प्लेटूज। इसका जो रेंज है ना, ये उल्टा चलता है, ये इसमें जितनी चीज़ें आती हैं ना वो उल्टी बहती हैं, समझ रहे हो? हमेशा टिपिकल क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप हम लोगों की मेंटालिटी है, ये एक टिपिकल ह्यूमन बींग्स की मेंटालिटी होगी, हम लोग ये में सोचते हैं कि हर वो चीज़ नॉर्थ से निकल रही है वो साउथ में जाएगी, राइट? बट ये हमेशा उल्टा चलते हैं। इसमें क्या है, ये हर एक चीज़ यहाँ जितनी इसके बीच में जितनी नदियाँ हैं, जो कुछ भी है, पत्थर बत्थर जो कुछ भी है, उन सब का स्लोप नॉर्थ की साइड पे है, याद रखना। क्लियर? इसलिए मालवन प्लेटूज को इतना कोई रेफर नहीं करता, क्योंकि मालवन प्लेटूज के बारे में इतनी कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। रीजन उसके पीछे इतना है कि उसके आसपास के एरियाज के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा डेवलप या फिर उतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें आपको। ऊपर एक और चीज़ आएगी जो कि होगी आपकी एक नदी के बारे में बताऊंगा, नदी के बारे में आई के बता दूंगा उसके बारे में। आगे बात करते हैं कि पेरेंसुला के पास जो मैंने आपको बताया ना वो ब्लैक सॉइल वाला एरिया, तो डेक्कन ट्रैप में मिल जाता है। समझ में आ गया? मैंने आपको ब्लैक सॉइल के बारे में डिटेल में पहले बता दिया था, तो ब्लैक सॉइल का याद रखना कि जो इंडिया गुजरात के अंदर जो गुजरात आता है ना, गुजरात के अंदर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कॉटन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो सिंपल सी बात, सबको पता होगा इंडियन डेजर्ट क्या है, एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पूरा डेजर्ट एरिया है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वेस्टर्न मार्जिन से गिन लो तो अरावली हिल से पूरा घिरा हुआ है, मतलब इंडियन डेजर्ट के आसपास में जितने भी बाउंड्रीज बना रखो आप, अगर इंडियन डेजर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे इस जगह पे अरावली हिल्स हैं। क्लियर? ओके, तो इसको पूरा उसने वहाँ पे कवर कर रखा है। दूसरी चीज़ जो लूनी करके एक नदी है, ठीक है, ये है, सॉरी मैं रखना भूल चुका हूँ, लूनी करके एक रिवर है जो आपके राजस्थान से बहती है, मतलब ओनली रिवर जो पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ी है और बहुत ही फ्लोटेड रिवर है। क्लियर? आगे बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स के अंदर, कि कोस्टल प्लेन्स किसे कहते हैं। अब वो कोस्टल प्लेन्स के अंदर मैंने ऊपर कोई मार्क नहीं किया, बट आपको इसी के ऊपर से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होते हैं।
कच्छ से लेके यहाँ तक, फिर काठियावाड़, फिर आपका कन्नक कोट, फिर मालवा कोट, फिर कॉपी कैंप्स, ये जितना दिख रहा है आपको ये सारा का सारा आपका कोस्टल प्लान्स हैं। समझ में आ गया आपको, ये सारा का सारा आपको कोस्टल प्लान है। इसको आपको टिपिकल याद ही रखना है क्योंकि आपको इतने कम है। समझ में आ गया आपको, इतना कुछ ज़्यादा डिटेल्स में याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको एक्ट टू एक्ट पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा कोस्टल कौन कौन से दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे कोने में देखो आप, तो कच्छ के लिए एक अलग से पूरा का पूरा कोस्टल प्लान है कि आपको कच्छ जाना है तो कच्छ को पूरा पूरा लागू पड़ेगा। ठीक है, वहाँ का पूरा कोस्टल हो गया। फिर आपका आगा काठियावाड़ कोस्टल, ठीक है, तो इसके अंदर इतना होगा। फिर आपको आता है टिपिकल कि ये चीज़ें कहाँ गई, तो यहाँ के लिए भी एक अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे गुजरात प्लान्स कहा जाएगा उसको, क्या कहते हैं हम लोग, गुजरात कोस्टल प्लान्स, कि ये पूरा पूरा एरिया आपका इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ पे बहुत चीज़ें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका सूरत वाला स्टेट आता है। अब सूरत सबको पता है कि सबसे पहला सबसे हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी है इन द वर्ल्ड, ठीक है, मुंबई के बाद। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए। अब जो आपको यहाँ से जितनी चीज़ें निकलती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमेशा उसको नाम दे दिया कि किसी भी टिपिकल राज्य के ऊपर नाम मत दो, उसको हम कह देते हैं गुजरात प्लेन्स। तो इस तरीके से याद रखना आपको कि गुजरात प्लेन्स भी है, और गुजरात के अंदर कितने कोस्टल प्लेन है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से, काठियावाड़ी और कच्छ, उसको हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं अपने आइसलैंड्स के बारे में, अभी लैंड्स के बारे में। तो लक्षद्वीप एंड द आइसलैंड ग्रुप हैज़ बीन अरेबियन सीन्स इन द क्लोज टू कश्मीर, आपको याद होगा। अंडमान निकोबार आर द टू आइलैंड ग्रुप्स है जो हम जिसके ऊपर हमने आज भी जिसके ऊपर इंडिया राज करता है, और इंडिया की उसमें पूरा का पूरा दबदबा है। क्लियर, उसको किसी और कंट्री से नहीं, मतलब हमने किसी और कंट्री से छीना मीना नहीं है, हमने उसके ऊपर जाके अपने पहले हमारे नेवी ने जाके उसको झंडा गाड़ दिया था। सेम सिचुएशन लक्षद्वीप में भी थी, और सेम सिचुएशन आपकी इसके अंदर भी थी, अंडमान निकोबार में भी थी, कि सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँच गई थी, सॉरी इंडियन नेवी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। उन लोगों ने कहा था कि भाई हम लोगों का ये हमारे हमारी इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत ये ऐसी चीज़ें रहेंगी। ओके, दूसरी चीज़, अंडमान निकोबार के अंदर आपके 204 स्मॉल आइलैंड्स भी है, और एक ही ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो आपका बहरीन के अंदर है। और इस सिचुएशन के अंदर इस पूरे के पूरे इंडिया का एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो कह सकते हैं, उसको हम बहरीन कह सकते हैं। क्लियर, ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक क्या करना है, तब तक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसको चाहिए वहाँ तक इस पूरे पूरे वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ जिससे कि उन लोगों की तैयारी बहुत जल्दी हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।